दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है कि आप खुद पर भरोसा रखें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं रखते तो आप अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रेरणा खुद बनता है। क्योंकि अपनी प्रेरणा बनने से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम कितने काबिल हैं। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनकी प्रेरणा वो खुद बने और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाओगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शिरिया प्योन। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का जब ब्रेकअप होता है तो वो ये सोचते हैं कि अब हम जिम जाएंगे और खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब जाकर मेरी एक्स लवर को एहसास होगा कि उसने मुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। हालांकि ज्यादातर लोग ये वादा खाली कहने के लिए ही करते हैं, लेकिन जापान के इन जनाब ने खुद को बदलने का यह वादा बिल्कुल भी झूठा नहीं किया था। दोस्तों, जब इनकी वाइफ इन्हें छोड़कर चली गई थी तब ये पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए थे। इन्हें ये एहसास होने लग गया था कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और जिस वजह से इन्होंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे इन्होंने जिम की आदत डाल ली, वैसे ही इनकी जिंदगी बदल गई। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा और ये खुद को बेहतर बनाने के लिए जिम करने लगे। और जिम करते करते इन्हें एक ऐसी लड़की मिली जो इनकी ही तरह फिटनेस लवर है। तो दोस्तों, अगर आप भी जिम लवर हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। ग्विलेन पो। दोस्तों, किसी भी यंग इंसान के अंदर जो सक्सेसफुल होने का जुनून होना चाहिए वो इन जनाब में भी था। इसलिए इन्होंने 21 साल की उम्र में अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनी खोली जो कि बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक से इनके घुटने में फ्रैक्चर आ गया जिसकी वजह से इन्होंने फुटबॉल के लिए अपना जो पैशन था उसे छोड़ दिया और ये पूरी तरह से अपनी कंपनी को चलाने में व्यस्त हो गए। लेकिन इन्हीं सबके बीच इन्हें महसूस हुआ कि इनके पास समय बहुत है और ये और भी एडवेंचरस चीजें कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के चलते इन्होंने एक म्यूजिक बैंड में हिस्सा लिया। और म्यूजिक बैंड में हिस्सा लेने के बाद इन्हें लगा कि इनकी बॉडी म्यूजिशियन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने हेयर स्टाइल के साथ साथ अपनी बॉडी और लुक पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते इन्होंने कुछ ही दिनों में खुद को चेंज कर लिया और अब ये बड़े आराम से मॉडल की लाइफ स्टाइल जीते हैं। होजे एंटोनियो। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर कहते हैं कि किसी को भी उसके रंग रूप से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े होते होते हमारे दिमाग से ये चीजें निकल जाती हैं जब सामने वाला बिल्कुल ही खराब तरीके से रहता हो। होजे एंटोनियो का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 55 साल के ये जनाब पिछले 25 सालों से सड़कों पे ही रहते थे और ये अपना पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम करते थे। और ये अपने परिवार से ज्यादातर दूर रहने के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान भी रहते थे। ये अपने शारीरिक रूप पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और इसी वजह से काफी गंदे भी लगते थे। लेकिन एक बार एक सैलून के मालिक ने इन्हें फ्री में बाल और दाढ़ी कटवाने का मौका दिया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इन जनाब का मेकअप किया गया तो खुद भी अपनी शक्ल को नहीं पहचान पा रहे थे। और सैलून के लोगों ने उन्हें व्हाइट शर्ट, रेड पैंट और जूते भी पहना दिए, जिसके बाद मेकओवर के साथ साथ जब उन्होंने कुछ और चीजें पहनी तो वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। और अपने लुक में उन्होंने इस चेंज को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि अब वो सड़कों पर नहीं रहेंगे और खुद को बेहतर करने की सोचेंगे। डेफनेस सेल्फे। दोस्तों, डेफने की स्टोरी किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका जन्म लंदन में 1928 में हुआ था। जब ये 21 साल की हुई तो इन्होंने फैशन और मॉडलिंग लाइन में अपना कदम रखा, जिसके बाद वो बुलंदियों को छूती चली गईं। लेकिन शादी के बाद इन्होंने अपनी मॉडलिंग लाइन छोड़ दी और अपना पूरा टाइम अपने बच्चे और फैमिली को देने लग गईं। लेकिन जब वे लगभग 70 साल की हुई तब उनके पति की मृत्यु हो गई और उनके सारे बच्चे सेटल हो चुके थे, जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा मॉडलिंग करने की सोची। और इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे अधिक उम्र की महिला मॉडल के रूप में शामिल हुआ। तो दोस्तों, इन लोगों में से आपको किसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।